नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं दरभंगा जिला के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में पहुंच चुका हूं और आज 1 जनवरी। आपको बता दें कि नए साल के दिन यहां पर लाखों की संख्या में लोग विभिन्न जगहों से आते हैं दर्शन के लिए। दर्शन मात्र से ही लोगों के कल्याण होते हैं ऐसा बताया जाता है। आपको बता दें कि श्यामा मंदिर में यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और आज जो भीड़ है वो देखने लायक है। चारों तरफ ये भीड़ देखने के लिए मिला है। मैं भी आज यहाँ पर पहुँचा और सुख समृद्धि माँ से मांगा है। सबसे बड़ी बात बता दें कि भारत उदय समाचार आपको खबर दिखा रहा है जगजीत के साथ। ये देख सकते हैं यही भीड़ है जो माँ के दर्शन के लिए उमड़ा है। माँ के दर्शन के लिए यहाँ के लोकल ही नहीं दूर दराज गांव से ही लोग आज के दिन आते हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। कोरोना महामारी के कारण लोगों का ये भी आशंका था कि 1 जनवरी को भी हम लोग पूजा कर पाएंगे कि नहीं, दर्शन कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आज आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासन की जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार यहाँ पर हजार लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसी के पास कोई मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग नाम का चीज़ नहीं था। अगर कोरोना है तो ये बहुत ही घातक है। आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो श्यामा मंदिर है, इस मंदिर के जो पूजा यहाँ पर मैनेजर हैं उनका इंटरव्यू मैं आगे सुनाऊंगा। और चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल था, लोग पिकनिक मनाने के लिए आए थे और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। भक्ति का माहौल था, संगीत भी चल रहा था और चारों तरफ सिर्फ सिर्फ लोग ही दिख रहे थे। आइए विशेष कवरेज दिखाते हैं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर लोग मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। एक बड़ी बात बता दें कि दरभंगा पुलिस प्रशासन अगर चौकस है, चौकस दिखी लेकिन चौकस अगर रहती तो चारों तरफ जाम का समस्या नहीं होता। एसएसपी बाबूराम के निर्देश के अनुसार जो थाना है यूनिवर्सिटी थाना, उसके द्वारा यहां पर ये जो लोग थे अधिकारी वो लगाए भी गए थे। लेकिन आपको बता दें कि जो चारों तरफ जो रास्ता है वो ब्लॉक होने के कारण, यूनिवर्सिटी के चारों तरफ अगर ब्लॉक रास्ता नहीं होता तो जाम नहीं लगता। जाम लगने के कारण चारों तरफ लगभग 1-1 घंटे में मैं खुद जाम में फंसा था। श्यामा मंदिर के गेट से लेकर बाहर निकलने में मुझे 1 घंटा लग गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ लोग बिजी थे और चारों तरफ लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। शेयर और सब्सक्राइब भारत उदय समाचार को करिएगा। आपको इंटरव्यू अब सुनाते हैं हम। समिति की ओर से नव वर्ष के उपलक्ष्य में समस्त श्यामा भक्त को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। माँ श्यामा का आशीर्वाद सभी श्यामा भक्त को मना रहे। जो श्यामा भक्त सुदूर देहात से लेकर के संपूर्ण भारत की संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी निवास करते हैं, सबको मैया स्वस्थ रखे और कोरोना महामारी से निजात दिलावे, यही माँ श्यामा से प्रार्थना है, अनुरोध है, विनती है। और माँ श्यामा दरबार में सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाखों की संख्या में अभी तक मैया के दरबार में भक्त दर्शन कर चुके हैं और न्यास की ओर से प्रातः 9:30 बजे से दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ सुख समृद्धि शांत के लिए किया गया है। और साथ ही 12 बजे के बाद से लगातार भैया को भजन सुनाया जा रहा है। जो इस अवसर पर हमारे न्यास के उपाध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा जी, सहसचिव प्रोफेसर सरपत त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजेश्वर पासवान जी, डॉक्टर रमेश झा जी, श्री दयानाथ यादव जी, श्री दयाकांत मिश्र जी, डॉक्टर हेमंत दास जी, सभी के सहयोग और सभी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और इस अवसर पर फिर पुनः हम सभी को मैया का आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ और मैया सबको आशीर्वाद दे। संपूर्ण मिथिलांचल, संपूर्ण उत्तर भारत, संपूर्ण विश्व में कोरोना से हे मैया सबको निजात दिलावे और नव वर्ष सबका सुख समृद्धि और सुंदर स्वास्थ्य सबको प्राप्त हो, यही मैया से कामना है। इस अवसर पर फिर पुनः सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। क्या नाम है? डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र, प्रबंधक महाश्याम मंदिर न्यास समिति दरभंगा।